सब आशा है आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी दोस्त अंजू और आज का ब्लॉग हम सवेरे सवेरे स्टार्ट कर रहे हैं। सारा काम हमने कर लिया है और अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। आप सभी लोगों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज पहला नवरात्र है, तो आज हम सब लोग बहुत ही श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा आराधना करते हैं, ताकि माता रानी अपना आशीर्वाद हम भक्तों पर सदैव बनाए रखें। तो ब्लॉग अभी हमारा शुरू हुआ है, अभी हम जा रहे हैं पूजा करने। तो हमने मंदिर की सारी साफ सफाई भी कर ली है, आप लोग हमारा मंदिर देख सकते हैं। ये देखिए, हमने अपना मंदिर बहुत अच्छे से साफ कर लिया है, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। हाँ, तो अब आप सब देख सकते हैं, तो ये हमारा मंदिर है। अभी हम आपको बहुत अच्छे से मंदिर अपना दिखाएंगे। तो साफ सुथरा हमने कर लिया है, नहाना धोना भी हमारा हो गया है, लगभग हमारे सारे काम हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं पूजा करने। माता रानी की पूजा आराधना करेंगे और उसके बाद हम आपको अपना पूरा दिन का रूटीन दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। अगर आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो मैं जो भी वीडियो अपलोड करूंगी वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगी और आप हमारी वीडियो को देख भी पाएंगे। तो चलिए हम अभी अभी पूजा करने जा रहे हैं। पूजा की हमारी तैयारी सबसे पहले हो गई है और अभी बिटिया नहा रही हैं और उनके पापा भी नहा रहे हैं। वो लोग थोड़ा देर से उठे थे तो वो देर में ही अपना सारा काम करेंगे। हमने सवेरे सवेरे 5 बजे उठकर ही अपने सारे काम कर लिए हैं, क्योंकि कल रात में बहुत ज़्यादा बिजी होने की वजह से मंदिर की भी सफाई नहीं हुई थी। तो सुबह सुबह 4 बजे उठ के हम घर के कामकाज में लग गए। झाड़ू पोछा वगैरह हमने सवेरे सवेरे ही किया है और अब हम पूजा कर रहे हैं, क्योंकि आज नवरात्रि का पहला दिन है और आज सबका व्रत भी है। तो व्रत में हम कुछ स्पेशल चीज़ तो नहीं बनाएंगे, लेकिन हाँ, हम मूंगफली के दाने और मखाने ज़रूर चाय के साथ लेते हैं और वही लेंगे, क्योंकि हम एकादशी का व्रत भी जब रहते हैं तो हम मूंगफली के दाने और मखाने चाय के साथ लेते हैं, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं लेते हैं। तो अभी सवेरे सवेरे की हमारी पूजा शुरू हुई है और वो लोग अभी नहा के आएंगे, तभी हम लोग एक साथ मिलकर आरती वगैरह करेंगे। तब तक हम अपनी जो पूजा होती है उसको निपटा लेते हैं, धूप दीप जला करके माता रानी को भोग वगैरह लगा देंगे और उसके बाद हम आरती करेंगे। तो मैंने सुहाग का सारा सामान भी मंगवा लिया है, चूड़ी मंगवाई है, चुनरी मंगवाई है, मेहंदी, सिंदूर, सब कुछ जो भी सुहाग पे चढ़ता है माता जी का, तो वो मैंने सारा मंगवा लिया है और माता जी को चढ़ा भी दिया है। अच्छा हुआ कि फूल हमारे घर में मिल गए थे, हमारे गार्डन में ही फूल हमको बहुत सारे आज मिल गए थे, सफ़ेद फूल भी मिल गए थे और पीले फूल भी मिल गए थे, तो हमने अपने घर से ही फूल ले लिए हैं, क्योंकि मालिन भी नहीं आई है अभी सवेरे सवेरे, तो इतना हम वेट भी नहीं कर सकते। वो 10 बजे तक आएंगी, तब तक हमारे पूजा हो जाएगी, तो उनका वेट इसलिए हम नहीं किए हैं और हमने सवेरे सवेरे जल्दी पूजा शुरू कर दी है। लगभग आधा घंटे तो लगता ही है नवरात्रि की पूजा में, क्योंकि पाठ वगैरह भी हस्बैंड करते हैं। हम दुर्गा चालीसा का पाठ करते हैं, ये हमारी रोज़ की पूजा है। रोज़ हम जब भी पूजा करते हैं तो दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करते हैं। तो अभी वो आ रहे हैं, तब तक हम सारी पूजा कर लेंगे, उसके बाद जब वो आएंगे तो वो अपनी पूजा स्टार्ट करेंगे। इस बार हम दोनों को साथ साथ पूजा करने का मौका मिल गया है, क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन संडे को पड़ा है। तो ये आ चुके हैं अपना नहाना धोना करके, अब इनकी पूजा स्टार्ट होगी, क्योंकि हमारी पूजा हो चुकी है और ये अपनी पूजा कर लेंगे। उसके बाद हम सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। इनकी पूजा में बहुत टाइम लगता है, ये बहुत ही आराम से बड़े इत्मीनान से माता जी की पूजा करते हैं, या कोई भी पूजा हो ये बहुत आराम से करते हैं। प्राणियों में अब हम आपको अपना मंदिर भी दिखा देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा मंदिर है, हमारे घर का मंदिर है। पूजा वूजा हो चुकी है, आप लोग देख सकते हैं, माता जी का भोग भी लग गया है, सुहाग का सामान भी चढ़ गया है। ये माता जी की जो फोटो है आप लोग देख रहे हैं,
इसी फोटो में हमने आज की पूजा की है। यही माता जी की फोटो है हमारे मंदिर में, बड़ी, इससे बड़ी कोई फोटो नहीं है। तो इसी फोटो से ही हम पूजा कर लिए हैं और माता जी से प्रार्थना भी किए हैं। आप सभी के लिए भी हमने प्रार्थना करी है कि आप सभी लोगों के जीवन में खुशियाँ आएँ। तो आगे हम बढ़ते हैं, तो हम मखाने फ्राई कर रहे हैं और मूंगफली के दाने हम फ्राई कर रहे हैं। तो मूंगफली के दाने और मखाने हम नाश्ते में लेंगे। सवेरे सवेरे 8 बज रहे हैं, तो 8 बजे हम नाश्ता करेंगे। चाय हमने बनने के लिए रख दी है, चाय हमारी पक रही है। और इधर हम मूंगफली के दाने हमारे आधे पक चुके हैं, तो अब हम इसी में मखाने भी डाल देंगे। हम बहुत ज़्यादा तेल डाल करके इसको फ्राई नहीं करते हैं, ना हम इसमें रिफाइंड बहुत ज़्यादा डालते हैं, ना घी डालते हैं। व्रत में वैसे भी थोड़ा ऑयली कम खाया जाए तो ही अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर घी वगैरह कुछ नहीं डाला है। ऐसे ही मैंने ये दाने और मखाने रोस्ट कर लिए हैं, और ऐसे ही रोस्ट करने के बाद हम खाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि उधर हमारा दूध पक चुका है, और इसी पे अभी हम चाय भी रख देंगे। तो हमारी चाय और मखाने एक साथ रेडी हो जाएंगे, तो हम चाय पियेंगे। क्योंकि सवेरे सवेरे जब व्रत हो तो फिर सवेरे ही चाय पीने का काफ़ी मन करता है, और भूख भी लगती है, तो ऐसा मन करता है कि जल्दी से कुछ खाने के लिए मिल जाए। तो इसलिए हम फटाफट से तैयार कर रहे हैं, क्योंकि बिटिया को भी बहुत तेज़ी से भूख लगी हुई है, और इनके पापा को भी भूख लगी हुई है, क्योंकि ये चाय की आदत जो पड़ी हुई होती है सवेरे सवेरे की। तो इसलिए चाय भी पक गई है हमारी, मखाने के दाने भी रोस्ट हो चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं मूँगफली के दाने और मखाने हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और अब हम तीनों लोग चाय पियेंगे। तो बिटिया की चाय अभी हमने नहीं निकाली है, वो कहीं है, थोड़ा हम रुक के पियेंगे। तो उनके लिए मैंने मखाने नहीं निकाले हैं, चाय निकाल दी है, थोड़ा चाय ठंडी हो जाएगी, मखाने वो बाद में लेंगी। और अब हम सभी लोग मिलकर नाश्ता करेंगे। नाश्ता करने के बाद हमको थोड़ा सा मार्केट में भी काम है, हमें मार्केट भी जाना है, इसलिए हम नाश्ता कर लेंगे। और 9:30 बजे के करीब हमको मार्केट जाना है, थोड़ा सामान हमें लेना है, तो आयुष्मान को लेकर के हम जाएंगे और सामान लेकर आएंगे। तो बिटिया का भी नाश्ता, ये छोटी बिटिया हैं, इनका भी नाश्ता चल रहा है, तो ये बंद मक्खन का नाश्ता करती हैं, लेकिन ये देख रही हैं मूंगफली के दाने और मखाने, तो इनको भी खाना है। तो इनके पापा ने इनको थोड़े से मखाने और मूंगफली के दाने दे दिए हैं। चाय नाश्ता हमारा हो गया है, हमारे सारे काम हो गए हैं, पूजा भी हो गया है, और अभी हम जा रहे हैं मार्केट। मार्केट से हमें थोड़ा सामान लेना है, तो हम लोग मार्केट जाएंगे। हम जा रहे हैं, आयुष्मान और उनके पापा, तुम तीनों लोग जा रहे हैं मार्केट। आयुष्मान को अभी अभी हमने जगाया है, क्योंकि ये बहुत देर तक सोते हैं संडे के दिन, तो फिर इनका फंडे ही होता है, काफी लेट ये उठते हैं। हाँ,